बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ ये ब्रेड क्रैम। तो बची हुई ब्रेड से ये मैं बना रही हूँ ब्रेड क्रैम, जो साइडें उतारते हैं, सैंडविच वगैरह बनाते हैं या वैसे ब्रेड बच्चे खाते हैं तो साइडें उतार देते हैं। तो ये उसको मैंने हाथों से ऐसे ज़रा मसल के तो छान लिया। इस छलनी में डाल के ना उसको ऐसे ऐसे मैंने कर लिया, ऐसे कोई ग्राइंड नहीं किया इनको। ऐसे ये बड़े अच्छे से ग्रैम्स बनते हैं। ये देखो ग्रैम, ऐसे इसमें से छान के तो वो गिली गिली ब्रेड जो होती है ना उसको ही मसल लेना। मसल के वो ऐसे ऐसे करेंगे तो बड़े अच्छे निकलेंगे। तो फिर इसको कढ़ाई में डाल के ऐसे हल्की आँच पे, बिल्कुल हल्की आँच पे इसको थोड़ी देर 2-3 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है, ऐसे रोस्ट करना है इसको। तो बड़े अच्छे से क्रैम्स बन के तैयार होते हैं, बिल्कुल बाजार जैसे। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, इंशाल्लाह आप भी ऐसे करें, ब्रेड को ज़ाया ना करें, साइडें जो उतरी होती हैं तो ये आपके बहुत अच्छे घर के होममेड बन जाएंगे। दो तीन मिनट में ऐसे इसको करूँगी, बिल्कुल ये देखो फ्लेम, बिल्कुल लो फ्लेम पे। ये ब्रेड है ना ये जल जाती है जल्दी, जलने नहीं देना इसे, बस हिलाते रहना है ऐसे, आहिस्ता आहिस्ता आते रहना इसे। ये फिर ख़राब नहीं होते जितनी देर मर्जी पड़े रहें। फिर एक एयर टाइट डब्बे में डाल लें, कंटेनर में डाल लें, शीशे की हुई टाइट डब्बे में डाल लें या फिर प्लास्टिक के में डाल लें। इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। तो ये हमारे हो गए हैं, 2-3 मिनट हो गए हैं मुझे, ये बिल्कुल फ्राई ये हो गए हैं रोस्ट, ये बिल्कुल सही। ये देखो इसका कलर भी चेंज हो गया, ब्राउन ब्राउन हो गए हैं, बस ज़्यादा नहीं इनको जलाना, यही कलर चाहिए हमें। तो अब मैं अपना चूल्हा करती हूँ बंद, तो इसको ठंडा होने देते हैं, किसी और बर्तन में निकाल लूँगी क्योंकि जब नीचे से कढ़ाई वो गर्म है ना तो वो जले ना। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, पर अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।